बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आज हमारे किचन में बन रहा है चाइनीज़ और उसमें मैं बना रही हूँ वाइट जी। अब है मंचूरियन। रिव्यू टाइम। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत मजे का बना है। मैं तो ये सारा खा लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइट चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ, उसके साथ एक अंडा, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक टीस्पून वाइट पेपर, एक टीस्पून लहसुन पाउडर, एक टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले मैं चिकन के अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। साथ ये सारे स्पाइसेस और एक अंडा डाल के इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। 30 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक अच्छी तरह इसके अंदर फ्लेवर्स आ जाएंगे सब चीज़ों के। सॉरी, अब इसको मैं रैप लगा के तो फिर उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर 2 घंटे के बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। ओके जी, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो गए हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। अब मैंने इधर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। अब हम इन सब चिकन क्यूब्स को फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन तक होने तक। मीडियम फ्लेम पे हम इनको करेंगे। अब ये देखें, हमारा चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया। देखिए इस तरह का लाइट ब्राउन सा आपने करना है। मैं इसको डिश में निकालती हूँ, पहले भी कुछ मैंने किया फ्राई। चलिए जी, अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। अब ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ बारीक, 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह काटी हुई हैं मैंने, ये मोटी वाली हैं। उसके साथ 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 फुल लेमन, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 कप पानी, 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून वाइट पेपर और नमक आपके अपने अकॉर्डिंग है, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अब सबसे पहले मैं एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। और फिर उसके अंदर ये जो 1 टीस्पून मैंने चॉप किया हुआ लहसुन है, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे इतना नहीं पसंद, मैंने इसलिए थोड़ा सा कम डाला। मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1/4 टीस्पून बारीक चॉप हुआ अदरक। और साथ ये चिली फ्लेक्स में डाल दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर ये जो 3 से 4 हरी मिर्चें ये डाल के इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब आप से भी मुँह से पड़ेंगे। हाँ,
एक से दो मिनट हो गया, बहुत केयरफुली या तो चूल्हा बंद कर लें और फिर इसके अंदर 2 कप पानी डालें और फिर से चूल्हा जला लें। साथ ही इसके अंदर ये नमक और वाइट पेपर, सिरका, एक लेमन का जूस या तकरीबन 1 टेबलस्पून ही बनता है ये। और इसको मिक्स करके बॉयल आने तक पकने देना है। सॉरी, चिकन पाउडर भी हमने डालना है, भूल गई। 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का। और अब इसको बॉयल आने तक वेट करते हैं। जब इसका बॉयल आएगा फिर अगला स्टेप करेंगे। अब ये इसमें बॉयल आ गया, ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स किया है। और आपके अपने अकॉर्डिंग है, आपने जितना थिक रखनी है ना ग्रेवी, उतना आप इसको थिक कर लें। थोड़ा थोड़ा करके ये मैं डालूँगी इसके अंदर, उसको मिक्स करूँगी। अगर आपको बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप ड्राई कर लो इसको, ग्रेवी को। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएं कि जितनी आपने थिक रखनी है ना उस हिसाब से आप कर लें। मैंने थोड़ी सी ये, अब चिकन डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखें, ग्रेवी पकना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शुगर का डालूंगी, इसको फिर से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये देखें, हमारा वाइट मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर हम इसको एग फ्राइड राइस के साथ इसकी फाइनल लुक देखते हैं। चले जी, ये देखें, ये मैंने एग फ्राइड राइस के साथ इनको सर्व किया और वैसे भी ये मैंने डाला। आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद है आप उस तरह की बना लें। चले जी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।